और ये देखो कुछ दिख रहा है यार, ये क्या उड़ रहा है, ये क्या है बे? यहाँ पे ये दिक्कत है, तो मैं पटरी की तरफ जाता हूँ। वो देखो वो आ रहे हैं, तो पटरी की तरफ चलते हैं। हाय, मेरा नाम है ओम। और मैं पहले बता दूं, कई लोग के जो कमेंट आए लास्ट वीडियो में कि भाई आपके उधर का लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो हुआ है भाई, हर जगह हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। तो मेरे पास अभी भी 15-20 वीडियो पड़ी हुई है जिनको मैं अभी अपलोड करना यूट्यूब पे रह गया है, तो मैं वो धीरे धीरे करूंगा। वो भाई मैं पहले से ही बना के बहुत दिनों से, मतलब मेरा ये होता है कि मैं महीने भर से पहले वीडियो बना बना के चलता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो मेरे पास 15-20 वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको देखना कुछ कुछ मिलेगा। और आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, पैसे कमाने हैं आपको? मैं बताता हूँ एक तरीका। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और घर से बाहर नहीं निकलने के कारण सभी के पास पैसे की बहुत कमी हो गई है। तो पहले मैं फोरा बेट पे बहुत पैसे लगाता था, जहां से मैं पैसे बहुत कमा लिया करता था। एक वेबसाइट है जहां से आप लोग भी पैसे कमा सकते हो। तो बट दिक्कत की बात सब लोग के मन में ये हो गया, फोरा बेट जो था उस पर स्पोर्ट में हम पैसे लगा देते हैं, मतलब कोई क्रिकेट मैच है, फुटबॉल का मैच है, कोई से भी मैच आ रहे हैं तो हम उसमें लगाया करते थे। तो फोरा अब तो स्पोर्ट कहीं हो रही है वर्ल्ड में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है। तो मैं बता दूं, फोरा बेट जो साइड है ये सिर्फ बैटिंग साइड नहीं, यहाँ पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। आप लोग को बताऊं ग्रेट कैसीनो के बारे में, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी गेम खेलता हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दी हूँ। ओए ओए, 2000 रुपये जीत गया मैं पहली बार में। तो दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा में जो 4000 रुपये मेगा आया मैं, तो तेरी चल रहा है और तेरी 6000, 7000, 8000, 9000, 10, 11, 12, 13, 14, 15000 रुपये जीत गया हूँ। और 15000 आप जीत गए तो इसको आपने किसी भी वैसे आप ना अपने बैंक में या फिर कहीं भी आप ये पैसे ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितने पैसे जीता हूँ मैं ना इसको पेटीएम से लेता हूँ अपने उसमें। तो ये सिंपली ये मैंने अपने पेटीएम और खोला, ये देखो ये 35000 रुपये आ गए हैं। तो आप भी ना ये ना खेल सकते हो, बड़ी सेफ है। पे कुलदीप यादव करके एक भाई ने बताई थी, और ये पूरा ट्रैक दिख रहा है आपको, पीछे तक का ट्रैक है। बट एक अच्छी बात है, मैं इस ट्रैक पे मैं वहाँ पे आगे खड़ा हूँ जहाँ पे लाइट लगी हुई है सामने की तरफ, और पीछे वहाँ पे की तरफ ना खेत से, और खेत में एक घर सा बना है, वहाँ पे किसी ने गाने चला रखे इतनी रात को, आई डोंट नो क्यों चला रखे हैं। इधर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो कुत्ते हैं बहुत सारे, वो भौंक रहे हैं। तो यहाँ के बारे में जो कुलदीप भाई ने जो बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम बताया था, जो स्टोरी बताई थी मैं बताता हूँ, कुछ गया था मैं बताता हूँ हुआ क्या था। कि जो ना एक बंद एक जो लड़की थी, अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अच्छा है कहना या नहीं कहना, मुझे माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो। तो वो जो लड़की थी, जो लोग लड़कियाँ जो होती हैं कि जो पैसे लेके कुछ गंदे काम करवाती हैं, गंदे काम करती हैं, तो वो वही थी। एंड वो पूरी रात के लिए किसी के पास गई थी, तो सीन वो हुआ था कि वो 5-6 लोग थे, फिर उन्होंने उस लड़की को मतलब जो भी कुछ किया उसके साथ पूरी रात बिताई। फिर अगले दिन उसको मतलब वही रात के 3-4 जो भी होगा उसको मारा। और दूर की तरफ मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे जहाँ लाइट जल रही है वहाँ पे फाटक है, फाटक मतलब जहाँ से गाड़ियाँ पास होती हैं, तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी खड़ी की। और इधर की जहाँ पे वो दिख रहा, वो जो ये यहाँ की तरफ ना कुछ है इन झाड़ियों में, तो वहाँ की तरफ ना उसकी लड़की की लाश उन्होंने फेंक दी थी, और उसके फेस पे ना तेजाब डाल दिया था। तो बिच आई डोंट नो, सब लोग ये गंदे काम जो करते हैं, कई लोग की मजबूरी होती है, कई लोग यार अक्सर लोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि यार अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, वो क्यों करती थी मुझे नहीं पता। बट उसके बाद उसके फेस पे ना उन्होंने क्या नाम है तेजाब फेंका, और उसकी जो लाश थी ना बिना कपड़ों के ठंड के टाइम वो जो ये दिख रहा है ये यहाँ की तरफ उन्होंने फेंक दी थी। तो अब क्या करते हैं, तो उस लड़की की रूह ना कहते हैं आज भी इन पटरियों पे आपको ना दिख जाएगी भागते हुए, या फिर कुछ करते हुए आपको दिख जाएगी। तो मैं आज इन पटरियों पे टाइम बिताने वाला हूँ, एंड देखते हैं कि कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। I can see you from...
उस लड़की की लाश ना ये इसके पास या उससे आगे वाले के पास ही आई थिंक बताया था उन्होंने, उन्होंने कहा था वहाँ पे देखा ना एक ब्रिज है तो उस ब्रिज के आसपास बताया था कि आपको जो ये होते हैं ना ये लाइट या कुछ उनके आसपास, तो ये था या उसके आगे वाला था वो कन्फर्म नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। एंड ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखो दो लोग ना आ रहे थे बट उन्होंने जब कैमरा देखा ना फिर वो लोग चले गए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम करता हूँ थोड़ा सा। मैं बिल्कुल जूम कर दिया एंड ये दो लड़के दिख रहे हैं ना ये आ रहे थे यहाँ पे, मेरे को देख के रुक गए एंड ये कौन है पता नहीं, एंड ये देखो इन पटरियों पे घूम रहे हैं, कौन थे मुझे नहीं पता बट इन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखा तो ये यहाँ से वापस चले गए। और ये देखो कुछ दिख रहा है यार, ये क्या उड़ रहा है, ये क्या है भाई, ये क्या उड़ रहा है, ये सर जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको कुछ जलता जलता, ये क्या भाई। तो ना पता वो दो लड़के यहाँ तक तो आए जहाँ पे वो आई थिंक वो दिख रहा वाइट वाइट सा, यहाँ तक आए और फिर यहाँ से वापस चले गए, और नो वो कौन थे बट इतनी रात को घूम रहे हैं, आई थिंक चोर वोर होंगे, आई थिंक जो भी होंगे। एंड कैमरे में अगर आप लोगों ने देखा होगा कुछ एक ना वाइट वाइट सा कुछ कैप्चर हुआ, आई डोंट नो वो क्या हुआ है, देखते हैं। फिर मैंने कैमरा बंद किया तो वो हट गया। अब मैं वहाँ चल रहा हूँ जहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी, तो वहाँ पर जाके देखते हैं एक बार। चलो ग्रीन लाइट हो गई है तो इस पटरी से मुझे हट जाना चाहिए क्योंकि ट्रेन आ भी सकती है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ मैं इस वाली पटरी पे चल रहा हूँ। ओहो मेरी लाइट गिर गई, लाइट टूटी गई, ओह सेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ अब इस वाली पटरी पे चल रहा हूँ, इस वाली पटरी पे ट्रेन नहीं आती है, तो उस लड़की की लाश ये क्या है, ये क्या है, ये क्या भाई, ये क्या है पता नहीं, मेरे कोई समझ नहीं आ रही है क्या है, बिल्कुल चमक रहा है, अगर आप लोग को समझ आया तो मुझे बताना ये क्या है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हट रहा हूँ एंड उस लड़की की लाश का मैं बताता हूँ कि इसी आसपास में इस एरिया में मिली थी, आपको ये दिख रहा होगा ये पूरा झाड़ियाँ इसी में आसपास मिली थी एंड ट्रेन आ रही है, तो थोड़ा सा मैं इस वाली पटरी पे आ गया हूँ, ट्रेन इस वाली पटरी पे आएगी, इन पटरी पे ट्रेन नहीं आती है, तो इन्हीं इसी के बीच में उस लड़की की लाश मिली थी। वो लोग जो सुबह सुबह आते हैं गांव में इन खेतों में उन्होंने देखा था, तो कुत्ते यहाँ पे कुछ ज़्यादा भौंक रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, तो उसके बाद ये दिख रहा है आपको ये जो वाइट वाइट सा ये जो बना दिया गया है, ये जो बना है ना ये उस लड़की की शांति के लिए, ताकि उस लड़की की आत्मा यहाँ पे ना दिखे और ये जो गांव वाले लोग हैं ये डरे ना, तो इसलिए ये बना दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कुत्ता ना बहुत ज़्यादा ही भौंक रहा है, आई डोंट नो, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, तो यार पता नहीं क्या कुत्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। तो लेट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड ट्रेन आ रही है तो मैं थोड़ा सा इधर हो गया हूँ। अब वो लोग ना घूम के दूसरी साइड से इधर को आ गए हैं, पहले वो लोग ना उस तरफ थे अब वो लोग इस तरफ घूम रहे हैं, तो यार ये थोड़ी दिक्कत थी है कि ये लोग शायद मेरा तो वेट नहीं कर रहे हैं कहीं, और ये लोग भी यहाँ तक आए फिर वापस चले गए। वो ना अभी दो लोग थे एंड वो आई थिंक आगे चले गए हैं यहाँ पर पटरी, और पटरी पर आप आई वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा ही ये लूट मार का सीन होता है, तो ये देखो अगर कैमरा ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं तो फोकस नहीं कर रहा है, ये दो लोग आपको दिख रहे होंगे एंड दो लोग ना इस तरफ गए हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा यहाँ पे। तो मैं ना अब मैं दिखाऊँ कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ, तो वो जो लाइट दिख रही है ना वो उस लड़की की आत्मा के लिए कुछ, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर कुछ बना दिया गया है, कैमरे में दिख रहा है बट ऐसे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या,
तो ना मैं आ गया हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक दिक्कत की बात ये है ना कि इन पटरियों पे उधर की तरफ ना कभी कोई उधर की तरफ घूम रहा है, कभी कोई उधर की तरफ घूम रहा है, तो ये दिक्कत है। और मैं उसी जगह हूँ, वो लाइट दिख रही है, तो वहाँ पे कुछ मंदिर टाइप से बना दिया गया उस लड़की की आत्मा के शांति के लिए, ताकि वो यहाँ पे लोगों को परेशान ना करे। लोगों को दिख जाता है ऐसे रूह तो लोग ना बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए गाँव वालों ने ऐसा कुछ बना दिया है। तो फिलहाल अब ना मैं थोड़ा बैठा हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट एक ना वाइट वाइट सा कुछ ना, जैसे ना बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जा रहा है, तो ये हुआ है कुछ। एंड चोर अभी ओन लो कि चोर पटरियों पे जो चोरी वोरी का सीन होता है पटरियों पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बाकी थोड़ा देर और बैठते हैं एंड देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी मैं फिलहाल उसी मेन जगह पे हूँ जहाँ पे उस भाई ने कहा था कि आप जाओगे उस वहाँ पे, तो आपको एक मंदिर सा दिख जाएगा, मंदिर पे लाइट होगी तो वहीं से आपको दिख जाएगा, वो वहीं जगह है। और उस लड़की की लाश इन्हीं झाड़ियों में, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो ऐसा ना कुछ हो रहा है, सच बता रहा हूँ हो रहा है। ऐसे सब लोग को लगता है कि हर भाई तेरे को वीडियो में हर जगह बार ये होता है, तो भाई कभी ना अकेले रात को ना इसे निकल के देखना, आपको भी होगा, नहीं होगा ना फिर मुझे बताना। तो वो जो सीन है वो यहाँ पे उस लड़की की लाश फेंक दी गई थी, मैं उसी जगह हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस चोरों का डर लग रहा है मुझे। तो देखते हैं थोड़ी देर और बैठ के, अगर कोई आ गया तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना इसकी तरफ एक कच्चा सा रोड है उस पर चलने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं उस पर चल के कि कुछ है या नहीं, देखते हैं भाई कि कुछ अगर दिख जाए। तो ये वही जगह है जहाँ पे उस लड़की को फेंका था मार के, मतलब उसके साथ सब कुछ कर कुरा के इधर फेंक दिया था, ये वही जगह है। तो अब इधर ही चल रहे हैं इस, तो वहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहाँ पे दो लोग खड़े हैं, वहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही है दो या तीन लोग खड़े हैं एंड वो इधर ही देख रहे हैं, आई थिंक आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे पटरी की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो मैं पटरी की तरफ जाता हूँ। वो देखो वो आ रहे हैं, तो पटरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना भूत का इतना डर नहीं लग रहा मुझे, सच में डर इस बात का लग रहा है कि यहाँ पे ना चोर वोर आई थिंक बहुत है। पटरियों पे आपने सुना होगा कि ट्रेन की पटरी पे चोर बहुत घूमते हैं, तो दो बंदे इधर घूम रहे थे, दो बंदे उधर घूम रहे थे। तो फिर जब मैं झाड़ियों की तरफ नीचे गया कि जहाँ पे वो लड़की की आत्मा रूह अभी भी घूमती है, तो वहाँ पे तीन चार लोग फिर इकट्ठा हो गए थे मेरी तरफ आ रहे थे, फिर मैं वहाँ से निकल के अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो इस बात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए लाइट पटरियों पे आपने कहीं नहीं देखी होगी आई थिंक, कि ट्रेन की पटरियों पे लाइट लगा रही है। तो यहाँ पे जो गांव वाले हैं इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट कर करके यहाँ पे ये लाइटें लगवाई हैं। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँ, अबे यार देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ना वो देखो दो बंदे खड़े हो गए ना, फिर से दो बंदे खड़े हैं और वो मेरे को ही देख रहे हैं। ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो दो लोग ये रहे एंड दो लोग इधर की तरफ से जा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है यार। तो मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ना ये शायद लोग बहुत खड़े हैं चोर वोर। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, इसका आई थिंक पार्ट मैं बनाऊंगा तो किसी को लेके आऊंगा, क्योंकि अकेले हूँ, वो दो दो तीन तीन चार चार आई थिंक उनका पूरा ग्रुप सा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो मैं ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको मेरी बातों पे यकीन हो तो खुद डाउनलोड करो और खुद ट्राई करो, खुद खेल के देखो, फिर आपको भाई की बातों पे यकीन आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।